तो जो मेरा कैरेक्टर है शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ताकि वो स्टोरी फॉरवर्ड मूव करे एंड वो उसमें यू नो ये ड्यूअलिटी है कि वो स्ट्रांग भी है वीक भी है कंफ्यूज भी है लेकिन उसको पता है उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए. तो वो कहती तो है कि वो विडो है लेकिन अगर वो एक्चुअली है नहीं है हमको पता नहीं. सो वी ओनली फाइंड दैट आउट एज द फिल्म मूव्स अलॉन्ग. एंड आई थिंक जो सारे कैरेक्टर्स हैं बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं तो ट्रेलर आपको बता देता है लेकिन सबका क्या मोटिव है और उनको क्या चाहिए और वो ये सब क्यों कर रहे हैं दैट बिकॉज सस्पेंस है थ्रिल है वो जैसे जैसे यू वॉच द फिल्म इट पूरा अनफोल्ड होता है. आई थिंक पीरियड मूवी है तो इसलिए यू नो उनका अलग बोलने का तरीका बॉडी लैंग्वेज उनकी जो पेस था लाइफ का वो भी थोड़ा धीरे था यू नो. तो प्रेपरेशन वही थी कि आप मैंने पुरानी मूवीज मैंने एक्चुअली काफ़ी देखी हैं तो बस वो ही इम्बाइब करने की कोशिश की. लैंग्वेज ऑफ कोर्स क्योंकि डायलेक्ट बुंदेलखंडी का है तो उसकी तो बहुत ही मुझे मैंने क्लासेस ली. इसके अलावा नवदीप सिंह के साथ उनको एक्चुअली वो आई मीन ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग बिकॉज वो हिस्ट्री स्टूडेंट है हिस्ट्री बफ है उन्होंने इतना रिसर्च किया था कि कुछ ही हमको सब कुछ पता था लाइक देयर वाज नो कंफ्यूजन ही वाज वी वर सो वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ हिम. जैसे कि फिल्म में सैफ अली खान के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा भी है और आप भी हैं तो शूट के दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को कुछ ऐसा ये पूरी फिल्म यू नो ऐसे था कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी एडवेंचर पे थे क्योंकि इस फिल्म की आई थिंक पूरी शूटिंग आउटडोर्स में हुई एंड बहुत टफ कंडीशंस में हुई यू नो बहुत ही ठंड थी फिर बहुत ही गर्मी थी एंड सब लोग आई थिंक उनकी जो सभी की जो पर्सनैलिटीज थी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से यू नो जेल किया हमने एंड इट वॉज रियली नाइस बिकॉज आई थिंक फिल्म आई मीन ऑन द सेट तो एवरीबडी गेट्स अलॉन्ग विद ईच अदर एंड यू ट्राई एंड एटलीस्ट मेक फ्रेंड्स बट वेरी फ्यू टाइम्स व्हेन यू एक्चुअली जस्ट अडोर ईच अदर सो मच दैट वाज फन. दैट वाज फन. मेरी हाँ तो शुरू में हो गई थी बिकॉज मैंने मुकेश छाबरा ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया एंड मैंने प्रॉपर लाइक दो तीन महीने ऑडिशन किया इस फिल्म के लिए तो एंड मुझे फिल्म के बारे में एक्चुअली कुछ पता नहीं था मुझे सिर्फ पता था कि नवदीप सिंह बना रहे हैं मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम. तो देन धीरे धीरे जैसे यू नो ऑडिशन के स्टेजेस क्रॉस हुए मुझे थोड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन यू नो वो देते थे तो इट वॉज जस्ट वन यू नो अमेजिंग थिंग आफ्टर अनदर. इस प्रोजेक्ट में ना द वेदर कंडीशंस वर सो डाइवर्स. हम लोगों ने जब जनवरी में शूटिंग शुरू की तो बहुत ठंड थी राजस्थान में एंड जब हम लोग आई थिंक मार्च अप्रैल तक पहुँचे हम लोग रामद्रा में शूट कर रहे थे एंड वो प्लेटू है तो वहाँ पे कुछ नहीं है इट्स ओनली स्टोन एंड वो स्टोन जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है तो यू कॉन्ट पुट योर फुट ऑन इट बिकॉज यू जस्ट बर्न्स एंड जो यू नो लॉन्ग शॉट्स थे उसके लिए तो यू नो क्लोजअप्स के लिए यू कैन चीट इट बट इन द लॉन्ग शॉट्स यू कॉन्ट. तो यू नो वो चीज़ें जस्ट टू नॉट लेट द वेदर कंडीशंस टू नॉट लेट यू नो जो चीज़ें आपको अनकम्फर्टेबल बनाती हैं टू नॉट लेट दैट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस दैट वॉज डिफिकल्ट एंड ऑफकोर्स हॉर्स राइडिंग वो तो मेरे लिए मुश्किल थी क्योंकि आई मीन आई नो हॉर्स राइडिंग बट जो मेरा घोड़ा था वो ही वॉज द यंगेस्ट एंड ही वॉज द ओनली थोरोब्रेड ही जस्ट वॉन्टेड टू प्ले ऑल द टाइम and whenever you know some other horse would go he would just want to run after that horse and yeah it became very difficult to like make him work. I'm definitely nervous. I'm also very excited and looking forward to it because humne to bahut hi pyar se banayi hai picture but you never know how it will be released you know you hope for the best यू होप दैट यू नो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है फिल्म उससे भी ज़्यादा यू नो बेहतर करे बट यू नेवर नो. सैफ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो तो जियो फर्स्ट डे यू नो द पहला दिन था यू एंड सैफ टुगेदर आई थिंक आपने सबसे पहले किया होगा. हम लोग शूट से पहले एक्चुअली हम लोग सब मिल गए थे सब लोग सब एक दूसरे को जानते थे. आई थिंक मानव व्हेन ही जॉइंड अस ऑन सेट
लेटर, बट उससे पहले हम लोग वर्कशॉप्स की हमने, एंड यू नो जो भी प्री कंसीव ऐसे नोशन थे कि यू नो दिल बी लाइक दिस दिल बी लाइक दैट आई एम द ओनली न्यू कमर, द सेकेंड वी स्टार्टेड दैट ऑल वेंट आउट ऑफ द विंडो, बिकॉज इवन जो डायरेक्टर होते हैं ही प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक श्योर कि एवरीबडी यू नो गेट्स अलोंग, एंड ही वॉज सो ग्रेशियस सैफ, यू नो इन स्पाइट ऑफ बींग हू ही इज, ही वो बहुत इंथुजियास्टिक है एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही यू नो ही इज़ ऑल्सो डूइंग सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स एंड सो मेनी मूवीज एक्चुअली दैट ही वॉन्ट्स टू जस्ट डू बेटर एंड बेटर, एंड यू नो वन यू सी दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन लाइक वाओ यू नो, एंड हिम बींग क्वाइट डाउन टू अर्थ, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एक्चुअली, बट ही इज़ रियली फनी एंड रियली फन. लाल कप्तान से कितने उम्मीद है, हर आर्टिस्ट को उम्मीदें होती हैं कोई भी फिल्म करे, स्टार्टेड मुकाबला उसके बाद लाल कप्तान और वो भी एक बड़ी यहाँ पे सैफ सोनाक्षी आप एक फिल्म का हिस्सा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसे इंस्टीट्यूट से हिस्सा कितना इम्पोर्टेंट होता है, एक फिल्म जो आपने पहले पहली फिल्म इतनी कामयाब की और उसके बाद दूसरी फिल्म का आना कितना अहम हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है जी बिल्कुल क्रिटिक्स की. आई थिंक मुकाबाज में तो मेरी एज इन वर्बल डायलॉग्स नहीं थे इस पिक्चर में, एक्चुअली पहली बार मेरी जैसे लोगों को मेरी आवाज़ सुनने को आएगी, तो एक्सपेक्टेशंस आई थिंक मेरी ही बहुत हैं तो दूसरों के तो और ज़्यादा होंगे यू नो, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये फिल्म अच्छा करे एंड यू नो पीपल लाइक माई परफॉर्मेंस एंड पीपल लाइक मी, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, मेरे पास कोई ऐसे फॉल बैक ऑप्शन है नहीं, तो काम से ही काम आएगा, सो दैट्स माई अटेम्प्ट दैट वट एवर आई डू लोगों को पसंद आए, दे लाइक मी, दे गिव मी मोर वर्क, आई डू गेट टू हैव मोर एक्सपीरियंसेस, तो इट्स रियली आई मीन इट्स प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी दैट पीपल एक्सेप्ट माई वर्क एंड लाइक इट. दिस इज द मोस्ट क्लीशेड थिंग एवर, एवरीबडी सेज, सब आके कहते हैं कि ये पिक्चर बहुत अलग है, बहुत नई है, आपने पहले कभी नहीं देखा है, बट ये एक हिस्टोरिकल पिक्चर है, ये लगती बहुत इंटेंस और सीरियस है पर ये है नहीं उतनी भी इंटेंस, बहुत ही अच्छी मिक्स है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, बट इट्स वेरी इंगेजिंग, एंड जो भी आपको अभी ट्रेलर लॉन्च के बाद ये पूरी मिस्ट्री दिखाई देती है, जैसे ही पिक्चर शुरू होती है स्लोली स्लोली सब कुछ रिवील हो जाता है एज द फिल्म गोज अलॉन्ग, एंड आई रियली थिंक यू विल हैव अ वेरी इंगेजिंग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस. डायरेक्टर